silence in these times of oppression also means that you are siding with the oppressor. So art like this, poetry like this, and songs, and there are so many of them, artists coming out to support the students' protest movement, that can ignite a sense of what is right and what is wrong in people who are still silent. अगर आप कह रही हैं कि आर्ट सजाने की चीज़ें हैं, आर्ट आकर्षित करती है, तो जाहिर सी लाजमी सी बात है कि आकर्षित करती है। चूंकि आप कविता नहीं पढ़ती हैं तो आपको कविता आकर्षित करेगी, मतलब आप कविता नहीं लिखती हैं तो आपको कविता लगेगा कि क्या खूबसूरत कविता लिख रहा। कोई शेर व शायरी नहीं जानता है तो उसके सामने शेर व शायरी बहुत ताजुब की चीज़ होती है। आप स्कल्पचर नहीं हैं, मूर्तियाँ नहीं बनाते हैं, तो आपके लिए स्कल्पचर जो है ना बहुत आकर्षण का विषय होगा, तो जाहिर सी बात है। और ये सबसे ज़्यादा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज भी है। Art sort of crosses all boundaries of language, cultural barriers, and connects at a very deeper level, which is why I think art becomes a very powerful tool of resistance. The सरकार भी डरती है कलाकारों से। जब कलाकार कभी भी अपनी रचना रचती है तो सरकार दहशत में आ जाती है। तमाम तरह से सरकार प्रयास करती है कि सरकार को कलाकारों को कमजोर किया जाए, और वो कर रहे हैं। कला का किसी भी आंदोलन में क्या क्या हिस्सेदारी होती है, क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उसका रोल होता है और किस तरह से पार्टिसिपेट करती है, इसको आप बहुत सरल ढंग से देख सकती हैं। जब आप खाना खाते हैं तो नमक का क्या रोल होता है, चीनी का क्या रोल होता है, तेल का क्या रोल होता है। हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं, इसमें हम पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को, कल्चर को आइसोलेट नहीं कर सकते। आर्ट चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो विजुअल आर्ट हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, हम कहीं ना कहीं हमेशा इस किसी न किसी तरीके से इसमें इंडल्ज रहते हैं, कहीं ना किसी न किसी तरीके से इसे एंटरटेन होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इसी टूल्स और मीडियम्स और प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम संवाद अपने आप से, समाज से हमेशा करते रहते हैं। So far, I have studied how art has been a huge part in the resistance all over the world. So I think now that we are protesting against CAA and anarchy, it's important that we should make art regarding this also as a form of art protest. We have been protesting for over a month now, and we are all emotionally very exhausted. It's been very difficult. So yeah, it definitely kind of gives us some sort of a motivation to keep it going. मूवमेंट से आर्ट पैदा ज़रूर होता है, लेकिन आर्ट उस वक्त का पर्टिकुलर फीलिंग, जो ख़ास एहसास है, उसको उकेरता है। तो वो दो काम करता है, एक तो प्रोटेस्ट को आगे भी बढ़ाता है, दूसरा इट इज़ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। देखिए, इवेंट्स न्यूज़ से वगैरह वगैरह से आपको इवेंट्स पता चलते हैं कि ये हुआ था, उस वक्त महसूस क्या कर रहा था इंसान। ये कविताएँ, आर्ट वर्क, पेंटिंग्स, स्ट्रीट प्लेज उस वक्त का एहसास बताती हैं।